हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस 99 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आके कुशवाहा आज आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम का एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूँ जो कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक ऐसी ट्रिक यूज़ करेंगे जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करना, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत आ जाएगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में नंबर सिस्टम में हम बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन अगर आ जाए कि 10 से 20 तक सभी संख्याओं का योग, तो दोस्तों पहले इसकी आपको बेसिक इसका बताएंगे, बेसिक क्या होता है, तो बुक्स में और आप लोग इसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहले 1 से 20 तक संख्याओं का टोटल निकालेंगे और बाद में 1 से 9 तक संख्या को माइनस कर देंगे। तो 1 से 20 तक जब हम टोटल निकालेंगे तो हम लिखेंगे 20 × 21/2, और यहाँ आप लिखेंगे 1 से 9 तक तो 9 × 10/2 डिवाइड करेंगे, 10 हो जाएगा, 21 10 दोस्तों आएगा 210, और माइनस 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ पर होगा 9 × 45, माइनस करेंगे होगा दोस्तों 165। ये तो दोस्तों था इसका बेसिक। अब ट्रिक क्या है, जरा देखना इसकी ट्रिक। ऐसे दोस्तों बहुत टाइम खराब हो जाएगा, तो ट्रिक क्या है इसकी याद रखना। आप सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 10 लिखना है, उसके बाद 11 लिख देना है, और लास्ट में लिख देना है आपको 20। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, स्टार्टिंग वाली लास्ट वाली संख्या का टोटल कर देना है आपको, योग रहेगा 20 और 10 = 30। अब यहाँ पर आपको करना है अंतर, अंतर रहेगा दोस्तों 20 में से 10 माइनस किया 10, अंतर में 1 ऐड कर देना, हुआ 11, और 11 में दोस्तों 2 डिवाइड, 2 से 11 को डिवाइड कर देना है। दोस्तों याद रखना, अंतर में 1 जोड़ने के बाद यदि संख्या ऐसी निकल के आती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, तब तो आप उसे 2 से डिवाइड कर देना। अदरवाइज यदि संख्या ऐसी निकल के आती है जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी पॉइंट में कटना चाहें, दशमलव में कटना चाहें, तो उस संख्या को प्लीज डिवाइड मत करना। आंसर तो आ जाएगा लेकिन आपको दिक्कत आ सकती है दोस्तों, संख्या को जीव का तीन छोड़ देना। तो आपको करना क्या है, 30 और 11/2 का गुणा कर देना है, आपको काट देना है 2 × 1 = 2, 15 × 2 = 30, और जब आप 15 और 11 का गुणा करें 15 × 1 = 15, यहाँ से लगा 1 × 15 = 16, 165। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों का सवाल ऐसे आ जाए कि 15, 16 और +40, यानी टोटल बताइए, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, योग कर देना है 15 और 40 और 15 का, तो योग रहेगा दोस्तों 55। बाद में आपको कर देना है अंतर, तो इसका दोस्तों अंतर रहेगा 25, अंतर रहेगा 25, अंतर में 1 ऐड कर देना है, अंतर हुआ 26। अब देखो दोस्तों, ऐड करने के बाद जो संख्या निकल के आई है वो 2 से डिवाइड होने वाली है, तो अगर आसानी से 2 से डिवाइड हो रही है तो आप कर 2 से, तो कितना आएगा दोस्तों 13। अब बस 13 और 55 का आपको क्या कर देना है गुणा, तो 55 × 13, 13 × 65 = 65, हासिल लगे 6, 13 × 65 = 6, 71, 715 आंसर। अगले टाइप का सवाल दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए कि 22 और लिखा हो लास्ट में
फर्ज करो 60, यानी 21 से 60 तक का वो टोटल पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, ट्रिक है हमारी। सबसे पहले आपको योग करना है 60 और 21 का, तो कितना हो? एक जीरो जोड़ेंगे एक आएगा, 6 और 2 8 यानी 81 हुआ दोस्तों। अब आपको करना है इनका अंतर, अंतर तो यहाँ से ली दहाई, यहाँ पे 10, 10 में से एक माइनस किया दोस्तों 9 बचा, यहाँ पर बचे 5, 5 में से हमने 2 माइनस किए तो बचे दोस्तों 3। अब इसमें एक ऐड करना है, हुआ 40। हमने बताया था आपको यदि एक ऐड करने के बाद यदि ऐसी संख्या निकल के आती है जो 2 से डिवाइड हो जाए तो उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो जब हम 40 को जब दोस्तों 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा दोस्तों 20, कितना निकल के आएगा 20। अब इस 20 का और इन 81 का आपको कर देना है गुणा, तो 81 इंटू 20, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1620 आंसर दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आप घर पर करना बैठ के, अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता देना मुझे, क्योंकि मैं वादा करता हूँ हर एक क्वेश्चन में ऐसी ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। जिन क्वेश्चंस में दोस्तों एक का डिफरेंस चलेगा वहाँ पर ये ट्रिक 100% यूज होगी, और ख़ासकर ये ट्रिक मैंने इस वजह से बनाई है, जैसे कभी बीच वाली संख्याओं का टोटल पूछ देता है 25 से 40, 40 से 80, 80 से 150, तब थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो हमने ट्रिक इस टाइप से बनाई कि दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, कैसा भी इस टाइप का सवाल आ जाए दोस्तों। तो अगर सवाल कुछ इस टाइप से आ जाए, जैसे दोस्तों सवाल ये कहे कि 25 और 50 के बीच, 50 के बीच सभी संख्याओं का योग, यानी बीच वाली संख्याओं का योग पूछे, 25 और 50 के बीच सभी संख्याओं का योग। पहले 25 से 50 था, उसमें क्या था 25 और 50 यानी स्टार्टिंग वाली लास्ट वाली को दोनों ऐड कर लेते थे, लेकिन अब क्या है 25 और 50 के बीच, यानी अब इसमें हमें बीच वाली ही संख्या लेनी है दोस्तों। तो 25 और 50 के बीच में संख्या लिखनी है, तो 25 के बाद और 50 से पहले लिखनी है, तो 25 के बाद क्या होगी दोस्तों 26 और एक लिख देनी है आपको 27, और 50 से पहले आपको लिख देनी है दोस्तों 49। ये 25 और 50 के बीच वाली संख्या है। तो दोस्तों वही ट्रिक, अगर एक का डिफरेंस चले तो याद रखना आप, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों योग करना है। तो योग में रहेगा 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और एक हासिल वाला 7, 9 6 15 5, 4 2 6 1 7। अब आपको करना दोस्तों इनका अंतर, क्या करना है अंतर, अंतर में आपको क्या करना है 9 में से 6 घटाएंगे आप तो बचेगा 3, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। अंतर में ये आपको एक ऐड कर देना, हुआ 24, 24 का आपको आधा करना है, हुआ दोस्तों 12। बस इन 12 का और इन 75 का आपको करना है मल्टीप्लाई, तो 75 इंटू 12, तो 12 पंचे 60, 6 62 84 और 6 90, 9 से आंसर। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ये कहे कि 50 और 90 के बीच की सभी संख्याओं का योग बताइए, सभी संख्याओं का योग। बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, 50 के बाद और 90 से पहली आपको संख्या लिखनी है, 50 के बाद 51 रहेगी और एक 52 रहेगी, और 90 से पहली दोस्तों एक रहेगी 89।
बस वही ट्रिक हमारी स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली संख्या का योग करना है दोस्तों। योग रहेगा 9 और एक 10 का 0 हासिल लगा 1, 8 5 13 और एक हासिल वाला 14। अब इनका दोस्तों आपको अंतर करना है, अंतर कितना होगा, 9 में से 1 माइनस किया बचा 8 और 8 में से 5 माइनस किया बचा 3। 9 में से 1 8, 8 में से 5 3, अंतर में आपको 1 ऐड कर देना है, हुआ 29 और वो सॉरी 39 और 39 का आधा करना। दोस्तों हमने बताया था यदि अंतर में 1 ऐड करने के बाद यदि ऐसी संख्या आ जाए जो 2 से डिवाइड हो रही हो आसानी से तब तो उसे 2 से डिवाइड कर देना, अदरवाइज 2 से डिवाइड मत करना। तो यहाँ पर 39 को अगर दोस्तों हम 2 से डिवाइड करेंगे दशमलव में आंसर आएगा करीब 19.5 आएगा, तो हम पॉइंट में नहीं करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत आए, ऐसा ही छोड़ देंगे यहाँ पर। तो 140 और 39 अपॉन 2, अब दो से हम काट देंगे, 2 एक 2 70 दूनी 140। बस दोस्तों 70 और 39 के आपको गुणा करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 जीव का तीन छाप देना है यहाँ पर, 7 नेम 63 के 3 हासिल लगा 6, 7 या 21 और 6 27 दोस्तों 2730 हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, कल जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से नंबर सिस्टम का बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों लेक्चर होगा, और इस उस लेक्चर में हम ट्रिक जो यूज़ करेंगे शायद आपने आज तक कभी नहीं दोस्तों देखी होगी। और हाँ दोस्तों ऐसा ही नहीं, आगे जितने भी टिपिकल चैप्टर आने वाले हैं जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, हाइट एंड डिस्टेंस, इनमें मैं इन चैप्टर्स में मैं दोस्तों कोशिश यही करूँगा तो कि हर एक चैप्टर में कम से कम 4 या 5 मेथड ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज ना करें जिससे कि आपको बहुत कुछ लाभ होगा दोस्तों, ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, और इस सब्सक्राइब कर सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका दोस्तों।